अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, इफ द करंट आई थ्रू ए रेजिस्टर इज इंक्रीज्ड बाय 100%, अज्यूम दैट टेम्परेचर रिमेन्स अनचेंज्ड, द इंक्रीज इन पावर डिसिपेटेड विल बी व्हाट। तो आपको कोई सर्किट दिया है जिसमें कुछ करंट फ्लो कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, जितना करंट फ्लो कर रहा था अब करंट की जो वैल्यू है हम उसे 100% 100% अगर हम बढ़ा देंगे तो पावर में कितनी बढ़ोतरी आएगी, तो पावर में कितना परसेंटेज बढ़ेगा, यही हमसे पूछा था। ठीक है, चलिए आंसर करते हैं हम। ये क्वेश्चन नंबर 10 का है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 10 आंसर हम करेंगे। तो मान लीजिए सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो भी था और जो करंट फ्लो कर रहा था वो आई था। सो पावर कितनी होगी, पी इक्वल टू बी आई। तो ये हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अभी क्या होगा, जो करंट है हमारी सो करंट क्या करेंगे, करंट इंक्रीज किया कितना, 100%, मतलब डबल हो गया। ठीक है, बिफोर करंट था आई, अब नाउ अभी कितना करंट है, डबल हो गया, 100% बढ़ा, मतलब डबल हो गया, 2i। ठीक है, नहीं 2i। तो करंट क्या हो गया, डबल हो गया। पावर का ये भी एक रिलेशन है और एक दूसरा रिलेशन भी है पावर का, दैट इज पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, इक्वेशन 2 मान लेते हैं हम इसे। अगर पहले आई करंट फ्लो कर रहा था और रेजिस्टेंस आर था तो हमारी पावर की वैल्यू होगी आई स्क्वायर आर। अब क्या होगा, जो करंट है वो डबल हो गया, मतलब 2i इसका स्क्वायर और r, सो p2, इसे p1 मान लेता हूँ और ये p2 है, 4i स्क्वायर r। ये मेरा इक्वेशन 3 हो गया। सो पहले पावर था i स्क्वायर r, अभी पावर है 4i स्क्वायर r। तो मैं दोनों पावर को कंपेयर करता हूँ तो मुझे मिलेगा py अपॉन p2 इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर अपॉन में 4i स्क्वायर आर। आई स्क्वायर आर कैंसल, तो p1 अपॉन p2 इज इक्वल टू 1/4। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगा p2 इज इक्वल टू 4p1, ये मुझे मिला। ठीक है, तो पहले मेरी पावर कितनी थी, बिफोर पावर वाज p1 एंड नाउ पावर कितना है, 4p1 माइनस p1 इज इक्वल टू 3p1। अभी जो बढ़ा, राइज इन पावर, तो पहले p1 था, अभी कितना बढ़ गया पावर, 3p1 बढ़ गया। तो हमें निकालना है पावर कितना गुना बढ़ा। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ इंक्रीज, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, इंक्रीज इन पावर अपॉन में पावर इनटू 100। तो पावर हमारा कितना टाइम बढ़ा, 3 टाइम बढ़ गया। पहले कितना पावर था, P था इनटू में 100, P से P कैंसिल, 3 को 100 से इनटू करूँगा तो 300% आएगा। तो मेरा जो पावर है वो 100% बढ़ गया। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट। तो क्वेश्चन को आप थोड़ा सा डीपली पढ़िए ताकि अच्छे से समझ में आए। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम्ड विल बी व्हाट। तो ये आपसे सवाल दिया है, तो चलिए आंसर करते हैं। पहले सवाल को अच्छे से आप पढ़ लीजिए, उसके बाद हम आंसर करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो चलिए आंसर करते हैं। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में एक बल्ब की रेटिंग दे दी है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 220 वोल्ट का और पावर दिया है 100 वाट का, और पूछा है अगर इसी बल्ब को हम 110 वोल्ट में जलाएंगे तो ये कितना पावर कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो पावर की जो फॉर्मूला हमें पता है दैट इज पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में आर। तो यहाँ पे मैं आर की वैल्यू निकालूंगा क्योंकि जो आर है वो तो चेंज नहीं होगा ना, तो आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में पी। सो दैट इज वी स्क्वायर 220 × 220 डिवाइड में 100, 0 से 0 कैंसिल। सो ये मेरा निकल के आ जाएगा 484 ओम। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है जो चेंज नहीं होगी। सो अभी हमें सवाल में ये पूछा है कि अगर उसी बल्ब को हम 110 वोल्ट में अगर जलाएंगे तो ये कितना पावर कंज्यूम करेगा। और यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात ये है, ये हमने रेजिस्टेंस निकाला, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता, ठीक है। सो सेम फॉर्मूला हम लगाएंगे, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में R, दैट इज P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में R, R की वैल्यू 484। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 25 वाट। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपल सा आंसर, ठीक है।